सन 47 का 15 अगस्त परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथिगण, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को देश की स्वतंत्रता दिवस की कोटिशा बधाई। 15 अगस्त भारत के गौरवमय इतिहास का एक ऐसा अनुपम ऐतिहासिक दिन जिस दिन सन 1947 में भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुई थी और करोड़ों भारतीयों ने पहली बार भयमुक्त होकर स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली थी। आज का दिन वास्तव में राष्ट्रीय उल्लास एवं उमंग का दिन है। संपूर्ण वातावरण में देश प्रेम की आभा झलक रही है। भला हो भी क्यों नहीं, आज तो अक्सर ही ऐसा है। जो कभी दास्तां की बेड़ियों में चकला था, आज नीले आकाश में उन्मुख उड़ान के लिए आजाद है। जो कल भूल भूसरी था, आज पुष्प से सुवासित है, पुष्प से सुवासित है। असंख्य वीरों की कुर्बानी से अर्जित यह स्वतंत्रता वास्तव में अनमोल है। गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि वीर सपूतों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज़ादी के दीवानों के अथक प्रयास से ही विश्व मानचित्र पर स्वतंत्र भारत राष्ट्र में उदय हुआ। उन्होंने की थी ऐसी भारत की परिकल्पना जहाँ सब कुछ हो अपना, जहाँ कानून का राज्य हो, समानता का साम्राज्य हो। हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों की कुशासन में भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि समस्याएं विकराल रूप धारण कर हमारे सामने खड़ी थी। स्वतंत्र भारत की सरकारों ने पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और आज अनेक क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बनकर विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में खड़े हैं। यह निश्चित रूप से संतोष की बात है, परंतु हमें और अधिक सजग एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है। अतः हमें फिर से आपसी भेदभाव भुलाकर देश प्रेम की डोर को मजबूत करना होगा। विशेषकर हम छात्रों को कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान, चरित्रवान एवं देशभक्त नागरिक बनकर देश सेवा का प्रण करना होगा, क्योंकि देश का भविष्य हम नौजवानों के कंधे पर ही निर्भर है। जोश और जज्बे को जगाने वाला यह पर्व हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जब हम उन क्षेत्रों में अपना उत्कर्ष दिखाने का संकल्प ले सकते हैं जो समय के दौर में पीछे रह गए हैं। अतः आज़ादी के मोल को समझते हुए हमें सकारात्मक सोच एवं स्वस्थ मानसिकता के साथ यह शपथ लेना होगा, क्योंकि आज़ादी अभी अधूरी है। सबल समर्थ भारत का सपना पूरा करना जरूरी है। गरीबी तुम भारत छोड़ो, बेकारी तुम दूर हटो, सावधान आतंकवादियों, सीमा से तुम दूर हटो। धैर्य की सीमा तोड़ दी तुमने, सबक सिखाना जरूरी है। आज़ादी अभी अधूरी है, आगे संघर्ष जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान।